हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेवड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, पिछले वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश किया था, आपको बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए, और इस वीडियो के बारे में बताया था हम बताएंगे क्यों आपका एडमिशन कैंसिल होता है, फिर कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। आई एम वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। गाइस देखिए, एडमिशन जो कैंसिल होता है आपका या फिर एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पाता, उसके कई रीजंस होते हैं। सबसे पहला और वैलिड रीजन जो होता है वो ये है, जो प्रूफ ऑफ पासिंग या फिर प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग, यानी इसे एग्जांपल से समझिए, आपने ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला था, एंट्रेंस दिया और आपकी अच्छी तैयारी थी, आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ गया। आप एडमिशन लेने के लिए गए, डॉक्यूमेंट का काउंसलिंग के लिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप गए, उसके बाद आपके पास अगर प्रूफ नहीं है जो आपने प्लस टू किया है तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है, यानी आपका वहीं से रिजेक्ट हो जाता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं गाइस, यानी आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदरसे से आते हैं, जो मदरसे वाले आते हैं, जो सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए जामिया के एडमिशन के लिए, खासतौर से इंग्लिश की बात करूँ। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे अरबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लाम की स्टडी, इसमें नहीं चाहिए होता है। तो बाकी अगर वो मदरसे से है तो इंग्लिश अगर कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है तो आपका रिजेक्ट होगा, 6 महीने के अलग से एक डिप्लोमा करवाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे इसके लिए वैलिड हो जाएंगे, तब आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। एक बेनिफिट ये होता है गाइज, अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट, तीन तक ऑप्शन होता है सबमिट नहीं कर पाया तो आपको लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है सबमिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लस टू किया, प्लस टू का रिजल्ट नहीं आया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा और आपका माइग्रेशन भी नहीं मिलेगा गाइस, ओके। तो मान लीजिए आपके पास माइग्रेशन नहीं है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1 महीने के अंदर आपको सबमिट करना है। अगर आप 1 महीने में सबमिट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस 90% है। आपने 1 महीने में डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली डीन ऑफिस आपका बुलावा आएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए कहेगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ओके। रिजल्ट अगर नहीं आ रहा, क्योंकि एटलीस्ट आपको प्रूफ देना है जो आप क्वालिफाई कर चुके हैं और इसके लिए आप अवेलेबल हैं, ओके। उसी तरीके से अगर कोई एक ऐसा प्रूफ जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है आपने सबमिट नहीं कर पाया तो 1 महीने के लिए टाइम मिलेगा आपको, अगर 1 महीने में सबमिट कर दिया तो कोई बात ही नहीं, आराम से आप कर दिए, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं कर पाया तो आपका एडमिशन कैंसिल होने का चांसेस होता है, ओके। उसी तरीके से आप जो फी यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फी स्लिप, वो आपको बैंक में जाकर पेमेंट करना होगा और उसका डेडलाइन होगा, यानी आपको 2 तारीख का, अगर आपका 2 अगस्त को एडमिशन है तो कहेगा 2 या 3 को आपको पेमेंट कर देना है, और किसी वजह से अगर 2 या 3 को आप पेमेंट नहीं कर पाए और कंफर्मेशन स्लिप डीन ऑफिस तक नहीं पहुंचा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट ही नहीं किया तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा क्या क्या चांसेस है, कैसे कैसे होता है कैंसिल। आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं आपके पास, 1 महीने में जमा कर दिए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल। हाँ, पहले जो बताया आपको मैंने मार्कशीट के बारे में, मार्कशीट का ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेशन होता है, सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, ये कई बार आपको लटका भी देगा, यानी अगर आप नहीं दे पाए तो उसी वक्त भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ओके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का पहले आप अरेंजमेंट कर लें ताकि एडमिशन टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बेहतरीन ओरिजिनल फोटोकॉपी रख लीजिएगा आप फाइल में, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है जो फोटोकॉपी के साथ साथ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जाता है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो कीजिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज टेक्निकल फील्ड में इतने ज्यादा लोग आगे आ चुके हैं जो कॉपी करने में देर नहीं लगता, किसी का भी स्कैन किया, एडिट किया, पेस्ट कर दिया, सबमिट कर दिया, ओके। इस वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो ज्यादातर एडमिशन कैंसिल होने के जो रीजन है, मार्कशीट सबमिट ना करना, डॉक्यूमेंट प्रूफ सबमिट ना करना, कैटेगरी प्रूफ सबमिट ना करना, उसी तरीके से माइग्रेशन सबमिट ना करना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट ना करना, फी सबमिट ना करना, ठीक है, ये सारे आपका वैलिड रीजन है। तो ये सारे रीजन से आप बचने की कोशिश कीजिए, अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ गया है या फिर आने वाले रिजल्ट में अगर लग रहा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का आप अरेंजमेंट कर लें। उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो से जो कन्फ्यूजन आपका था वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी अगर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और वीडियो को दूसरों के साथ यानी अपने जानने वालों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी फायदा उठा सके और उसके भी ये सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।